हेलो दोस्तों, कैसे मजे में ना? तो मेरे तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। तो अपन कल मोबाइल के बारे में बात किया था कि सबसे ज़्यादा मार्केट में सेलिंग कौन सी है, सबसे ज़्यादा सेल कौन सा हुआ मोबाइल, कौन सी कंपनी सबसे आगे है। तो दोस्तों, सबसे आगे कंपनी है जायोमी, रेडमी। रेडमी का नाम सुना रहेगा आपने। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेडमी है, तो सबको बोलेगा तो बहुत मोबाइल के हाथ में रेडमी होएगा। सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाला रेडमी है। रेडमी कुछ कम से कम चला है 31% इंडिया में चला। 31% 2018 का लिस्ट में निकाला हूँ, 2018 में 31% चला है, जबकि दूसरी कंपनी बहुत कम चली है। और सैमसंग चला है 26% 2 पॉइंट चला है सैमसंग। और वीवो पकड़ा, फिर भी मार्केट वीवो भी अच्छा चला है। वीवो चला है 5.8% वीवो चला है। और ओप्पो चला है 5%। तो सबसे भाई ओप्पो कम कैसे चल रहा है? सब लोगों ने कमेंट में तो मेरे को ओप्पो दिया था, सब लोग दोस्त बोले ओप्पो ओप्पो ओप्पो, लेकिन ओप्पो मार्केट बहुत डाउन चला है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा है रेडमी, सेकेंड नंबर है सैमसंग, तीसरे नंबर है वीवो, चौथे नंबर है ओप्पो, और सबसे पांचवें नंबर है होनर। फिर भी होनर भी अच्छा है, मार्केट चला है 3.4% इंडिया में जब चला है। तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया में चली है, और बाहर के अंदर कंट्री में कितनी चली है वो पता नहीं अपने को, वो अपन कुछ और अगले वीडियो में ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल अपन इतने देखा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनी रेडमी चली है। तो दोस्तों, रेडमी में कुछ तो खासियत रहेगा तभी चली है इतना रेडमी में। तो इसका भी अपन एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि रेडमी में क्या खासियत है, इतनी मार्केट चल रही है, ओप्पो क्यों नहीं चल रही है, सैमसंग क्यों नहीं चल रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ अपन कल निकालेंगे उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, देखेंगे कि क्यों इतनी चली मार्केट में कंपनी, क्या है रीज़न उसका। तो आप कमेंट बॉक्स में देना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि मार्केट सबसे ज़्यादा रेडमी क्यों चली, रेडमी में क्या खासियत है, क्या है, तो वो आप मुझे बताओगे कमेंट में। तो दोस्तों, बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कमेंट में। तो मैं आपको सबका फ्यूचर बताऊंगा, कल बताऊंगा सबका फ्यूचर कि रेडमी में कितना फ्यूचर है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कौन सा मॉडल ज़्यादा चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो दोस्तों, सैमसंग में क्या है, सैमसंग में तो बहुत जोनी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी सैमसंग। तो सबसे पहले एंड्रॉयड लेके आई थी सैमसंग। तो दोस्तों, और लूमिया का तो अता पता ही नहीं मिला कुछ मेरे को कि लूमिया कितना चला है, कितना नहीं चला है। वो तो बिल्कुल डाउन ही हो गया मार्केट, क्योंकि उसने एंड्रॉयड लाना बिल्कुल भूल गया था, एंड्रॉयड अपने दिमाग से निकाल गया था, लेके आया था विंडोज़। तो विंडोज़ मार्केट में नहीं चला है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड चला मार्केट में। तो दोस्तों, एंड्रॉयड तो बहुत चल रहा है मार्केट, इंडिया में बहुत धमाल मचा लिया, लेकिन उसमें खासियत क्या है, ज़्यादा किस तरह से चल रहा है, किस तरह से मैन्युफैक्चर हुआ है, वो सब अपन बताएंगे, वीडियो में आपको कल दिखाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखेंगे, वीडियो पूरा देखें, और नया वीडियो देख रहे हैं आप तो मेरा, तो वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है इतना था कि आप दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो दोस्तों, इतना ही, बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।